Hello everyone, welcome back. Welcome back to my channel, and if you are watching me for the very first time, then hi, I'm Omita and welcome to my channel. सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक. एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ईद स्पेशल एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि है ये. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, ये मेकअप लुक पसंद आए. अगर पसंद आता है देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. और अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखते हो, पसंद भी करते हो, बट सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए. वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आज जो इयररिंग्स पहने हैं, ये है फ्रॉम दी वेबसाइट 99rupees.com. एंड ये जो इयररिंग है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. इनकेस इफ यू वॉन्ट टू बाय, देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड बाई फ्रॉम देयर. तो चलिए अच्छी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. As I have already moisturized my face, so that I'll be starting off with my eyebrows. At first I'll be brushing my eyebrows with a spoolie, and उसके बाद मैं एक Lakme eyebrow pencil की मदद से मेरी eyebrow को draw कर लूँगी. Eyebrow draw करने के बाद फिर से एक बार मैं spoolie लेकर मेरी eyebrow को brush कर लूँगी. उसके बाद आई एल बी क्लीनिंग माई आईब्रोज विथ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर एंड आई एम इन दी शेड मीडियम टोनी. तो एक फ्लैट शेडर ब्रश की मदद से मैं कंसीलर को लेकर मेरी आईब्रोज को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, ताकि जो आईब्रो है वो और भी ज़्यादा डिफाइंड दिखे. नेक्स्ट आई एल बी अप्लाइंग दैट सेम कंसीलर ऑन टॉप ऑफ माई आई लिड एज अ आई शेडो प्राइमर, एंड उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मेरी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से. ब्लेंड करने के बाद उसको मैं सेट कर लूँगी मेरी Lakme रोज पाउडर की मदद से. आप कोई भी बनाना पाउडर या फिर लूज पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो. कंसीलर को मैं सेट करूँगी मेरी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से. आप एक ब्रश की मदद से भी रोज़ पाउडर को आईलिड के ऊपर लगा सकते हो. एंड ये स्टेप आप एकदम स्किप ना करो, क्योंकि कंसीलर को अच्छे से सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वरना कंसीलर केकी हो जाएगा. मेकअप रेवोल्यूशन न्यूट्रल्स 2 पैलेट से मैं इस ब्राउन कलर को पिक करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड, एंड उसको मैं मेरी क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई कर दूँगी अच्छे से ब्लेंड करते हुए. नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग दिस शेड एंड उसको मैं एक पेंसिल ब्रश की मदद से मेरी क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई करूँगी, एंड उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं इस कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी हर्श लाइन ना रहे. नेक्स्ट आई एल बी टेकिंग वेट एंड वाइल्ड सिंगल आई शेडो इन दी शेड पैंथर. एक पेंसिल ब्रश की मदद से कलर को मैं पिक करूँगी एंड मेरी आईलिड के ऊपर मैं अप्लाई करूँगी. उसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. जब तक ना मुझे लगे कि एक अच्छा कलर पे ऑफ आ रहा है, उतने बार ही मैं कलर को पिक करूँगी, लगाऊँगी एंड उसको ब्लेंड करूँगी. नेक्स्ट आई एल बी पिकिंग दिस गोल्डन ग्लिटर आई शेडो फ्रॉम दिस सेम मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट, एंड उसको मैं मेरी फिंगर से ही ब्लैक आई शेडो के ऊपर अप्लाई कर दूंगी. आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ग्लिटर लगाना ज़रूरी है, तो मैंने थोड़ा सा ग्लिटर भी ऐड किया है इस आई लुक के लिए. एंड लास्टली मैं फिर से एक बार सब कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई भी हर्श लाइन ना रहे. अब मैं मेरे आईलैश कलर से मेरी आईलैश को कर्ल कर लूँगी, एंड उसके बाद मैं फॉल्स आईलैशेस लगाऊंगी. मैं जो आईलैश यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने लिया है आली एक्सप्रेस से. जो लिंक होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. उसके बाद मैं Lakme आईलाइनर को अप्लाई कर लूँगी. अब मैं मेरी फेस मेकअप करूँगी. पहले मैं लगाऊँगी ब्लू हेवन प्राइमर. प्राइमर को मैं मेरी पूरी फेस पर अच्छे से अप्लाई कर दूँगी. एंड आज मैं एज अ फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ Maybelline Fit Me फाउंडेशन, एंड आई एम इन दी शेड 230 नेचुरल बफ. पहले मैं डॉट डॉट करके फाउंडेशन को मेरी पूरी फेस पर अप्लाई कर दूँगी, एंड उसके बाद एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड आउट कर लूँगी. आप जब फाउंडेशन को ब्लेंड करोगे तो ध्यान में रखना कि बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना ज़रूरी है. उसके बाद मैं फाउंडेशन को अच्छे से सेट करूँगी. इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ऑरिफ्लेम कॉम्पैक्ट पाउडर.
Now I'll be applying concealer. Here I am using Wet n Wild Photo Focus Concealer and I'm in the shade medium tawny. I'll be applying the concealer on my under eye areas and on the bridge of my nose. After applying the concealer, I'll be blending it out with my damp beauty blender. This is a very important step and you have to follow this step because agar aap acche se blend nahi karte ho, then your concealer may look very patchy and cakey. कंसीलर को अप्लाई करने के बाद उसको मैं अच्छे से सेट करूंगी यूजिंग लैक्मे रोज पाउडर. आफ्टर 2 or 3 मिनट्स जो एक्सेस पाउडर होगा उसको मैं मेरी ब्रश की मदद से हटा दूंगी मेरी फेस से. Now I'll be contouring my face using Wet n Wild Mega Glow Contour Stick and I'm in the shade Oaks on You. पहले मैं फेस पर अप्लाई कर दूंगी इसको एंड उसके बाद अच्छे से ब्लेंड आउट करूंगी यूजिंग माई डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. इट टेक्स सम टाइम टू ब्लेंड आउट, तो आपको थोड़ा सा टाइम लेकर इसको अच्छे से ब्लेंड करना होगा. नेक्स्ट आई विल बी अप्लाइंग ब्लश. मैं यूज़ कर रही हूँ स्टील पैरिस 6 color ब्लश ऑन एंड इस पैलेट से मैं एक ऑरेंज कलर की ब्लश को मेरी चिक्स पर अप्लाई कर दूंगी एक फ्लफी ब्रश की मदद से. इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर एंड दिस इज़ माई करेंट फेवरेट हाइलाइटर एंड इसका नेम है मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर. इसको मैं मेरी फेस की यूजुअल प्लेसेस पे अच्छे से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर दूंगी ताकि एक सटल ग्लो आए मेरी फेस पे. आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये हाइलाइटर. आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई आउट करके देख सकते हो. इसके बाद मैं मेरी आईज़ के इनर कॉर्नर्स को एंड मेरी ब्राउ बोन को अच्छे से हाईलाइट कर दूंगी. नाउ आई विल बी कोटिंग माई लोअर आई लैशेज विद दिस मस्कारा. दिस इज़ मेबलिन कोलॉसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा. उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी. टुडे आई विल बी यूजिंग दिस ब्यूटिफुल बोल्ड रेड कलर्ड लिपस्टिक. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड ओरिफ्लेम एंड इसका जो शेड नेम है वो है रफ स्वेट. लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद हियर इज द फाइनल लुक. यही थी आज की वीडियो. आई होप आप लोगों को मेरे आज की ये वीडियो पसंद आया हो एंड ये मेकअप लुक पसंद आया हो. अगर पसंद आया है देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप. ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. और अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो, पसंद भी करते हो, पर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए. तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ. मिलते मेरी नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द. तब तक के लिए बाय बाय.